हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो भाग 3 है संविधान का, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो संविधान के भाग 3 यानी कि जो भाग 3 है वो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। जो 12 से 35 अनुच्छेद है वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 12 से 35 है ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 में है क्या? तो जो भाग 3 है इसके अंदर मूल अधिकार, यानी कि जो मूल अधिकार कौन कौन से हमारे, वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 12 से 35 के अंदर जो अनुच्छेद है वो हमारे मूल अधिकारों से रिलेटेड है। तो ये हो गया, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद जो भाग 3 है इसको भारत संविधान के भाग 3 को है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि संविधान का जो भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को है जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से इनको ग्रहण किया गया है, ठीक है। मूल अधिकारों को ये हमने पहले भी देखा था जब हमने जो कहाँ जो संविधान के स्रोत पढ़े थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी मूल जो अधिकार के बारे में बेसिक बात है। अब कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत वो है अनुच्छेद 12, यानी कि आर्टिकल जो 12, इसमें दे रखा है राज्य की परिभाषा, राज्य से रिलेटेड जो परिभाषा है वो इसके अंतर्गत दे रखी है, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे। उसके बाद अनुच्छेद 13, इसके अंदर दे रखा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये दे रखा है अनुच्छेद 13 के अंदर। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इनका ओवरव्यू ले रहे हैं कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम इनको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो यहाँ से 12 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद को कवर करेंगे, ठीक है। तो यह क्या 13 के अंदर। अब 14 से लेकर 18 के बीच जो दे रखा है वो है समता का अधिकार, उस वो दे रखा है। 19 से लेकर 22 के अंदर जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दे रखा है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर कौन कौन से बातें हैं वो आएगा 19 से लेकर 22 जो आर्टिकल है उनके मध्य। उसके बाद जो 23 और 24 जो अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है हमको। उसके बाद जो 25 से लेकर 28 है ये धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और जो 29 और 30 है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। और अनुच्छेद 31 है वो संपत्ति का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 से लेके जो 35 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो है हमको दे रखा है, इनका ओवरव्यू है पूरा पूरा कि हम कौन कौन से अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, या फिर जो भाग 3 है इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। और जो ये अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन से यहाँ से हटा के इसको 301 के अंदर डाल दिया गया है। इसको भी हम जब इसको बारे में पूरे पढ़ेंगे डिटेल में तब और बता देंगे आपको। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है भाग 3 के अंदर वो है अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 के अंदर जो हमें दे रखी है वो दे रखा है कि राज्य की परिभाषा। यहाँ पे ये राज्य का मतलब आप ये मत समझना कि जो राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक ये राज्य है, ये वाले राज्य नहीं। इस राज्य के अंतर्गत बहुत सारी और भी बातें आती है, जैसे संसद, केंद्र सरकार, भारत का संघ, और जैसे LIC, ONGC ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, ये भी राज्य के अंतर्गत ही आती है। तो इस अनुच्छेद 12 के अंदर इनसे रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 12। आपको ये ध्यान रखना है इसमें राज्यों की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर राज्यों का मतलब ये नहीं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पर राज्यों का मतलब राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत बोर्ड, ये सभी है जो राज्य के अंतर्गत ही आती है। ये अलग अलग तरह से अपना एक राज्य ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया राज्य यानी कि अनुच्छेद 12। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 के अंदर जो हमें दे रखा है वो है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां।
इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ पहले, यानी कि मूल अधिकार, जो हमारे पास मूल अधिकार है उनको असंगत या उनको अल्पीकरण यानी खत्म करने वाली विधियां यानी कानून। इस अनुच्छेद 13 के अंदर ऐसी बातें लिखी गई है जो जो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर सकती है, तो वो बातें इसके अंतर्गत या वो विधियां इसके अंतर्गत है, ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है वो। तो ये इस लाइन का मतलब हो गया। तो अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, या दूसरे शब्दों में न्याय समीक्षा योग्य होगी। न्याय समीक्षा योग्य मतलब कि उनका पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी कि उनको अगर ऐसी कोई बात नियम है कोई विधि लिखी हुई है तो न्यायालय उसको क्या है वापस पुनरावलोकन करके रद्द कर सकता है। तो वो बातें इसके अंतर्गत लिखी हुई है अनुच्छेद 13 के अंदर। अब तुमको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें जो विधि, ये विधि शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत सिर्फ विधि, कोई भी कानून हो सकता है। इस विधि के अंतर्गत मेनली जो बातें आती है वो पहली बात तो है कि जो इस जो विधियां, जैसे कि जो स्थायी विधियां होती है, स्थायी विधियों का मतलब जो संसद के द्वारा या विधानमंडल द्वारा पारित करके बनाई जाती है वो हो गया। दूसरी विधि जो अस्थायी विधियां होती है, जैसे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत जो जारी किया जाता है वो, या फिर राज्यपाल द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश वो अस्थायी विधि होती है, तो वो विधियाँ भी हो सकती है उस विधि के अंतर्गत। और कुछ ऐसी विधियाँ भी होती है जो रूढ़ी प्रत्यय होती है, जो विधि का मतलब पावर रखता है, मतलब कि वो कोई कानून नहीं होता लेकिन उनकी जो जो रूढ़ी प्रत्यय होती है इतनी मजबूत होती है कि एक कानून की तरह ही वो काम करता है, तो जो ये विधि के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। जो 14 से लेके 18 तक जो अनुच्छेद है वो समानता का अधिकार प्रदान करता है हमको, तो ये हम पढ़ेंगे अब 14 से 18 के अंतर्गत। तो सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, तो जो अनुच्छेद 14 है उसके अंतर्गत लिखा है कि जो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये हो गया अनुच्छेद 14 के अंदर जो लिखा हुआ है। अब इनका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। इनका मतलब ये है अनुच्छेद 14 में ये लिखा कि जो सभी कानून है वो सभी के लिए बराबर होंगे, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी, ये दोनों पर लागू होता है अनुच्छेद 14। ये आपको ऑप्शन में कहीं पे दे के पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है जिसमें जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है, उनमें आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि ये भारतीयों के साथ विदेशियों पर भी लागू होती है। और अब इसमें दो अलग बातें लिखी, विधि का समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है विधि का समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता ये जो है ब्रिटेन जो संविधान है वहां से इसको लिया गया है। सबसे पहली बात तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। अगली बात, ये एक बाध्यकारी और नकारात्मक नकारात्मक प्रावधान है। नकारात्मक प्रावधान इसका मतलब ये है कि क्यों है नकारात्मक, क्योंकि इसके अंदर विधि के समक्ष समता मतलब कि कोई भी कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, तो ये इसके अंतर्गत होता है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, नकारात्मक बात हो गई कि कोई भी इससे ऊपर नहीं है, कानून सबसे सर्वोपरि है, तो इसलिए क्या है बाध्यकारी और नकारात्मक प्रावधान है। ये एक बाध्यकारी भी है, और जो ये प्रत्येक स्थिति में नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया विधि के समक्ष समानता का बात। अगली जो बात लिखी हुई इसके अंदर अंतर्गत वो है कि विधि का समान संरक्षण। तो विधि का समान संरक्षण मतलब कि किसी के साथ भी कोई भी अलग अलग तरह से कानून होते हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये है जो अमेरिका का संविधान है वहां से इसको लिया गया है, ठीक है। और ये गैर बाध्यकारी यानी कि बाध्यकारी नहीं है और सकारात्मक प्रावधान है एक तरीके से, और सभी जो नागरिक जो है उनमें भेदभाव के समान भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान व्यवहार किया जाएगा सभी के साथ, इस प्रावधान के अंतर्गत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 14। इसके अंतर्गत आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण हमको प्रदान करता है, और ये भारतीयों के साथ विदेशों पर भी लागू किए जाते हैं, और जो विधि है ये विधि के समक्ष समता है ये तो लिया गया है ब्रिटिश से, और विधि का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। तो ये मेन बातें आपको
ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 है, उसके अंतर्गत दे रखा है कि कोई भी है जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद या विभेद का प्रतिषेध। विभेद का प्रतिषेध का मतलब कि कोई भी है जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के या इन तरीकों को लेके किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिखा है। ये हमारा अधिकार है कि कोई भी हमारे साथ इन बातों को लेके हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर भेदभाव कर सकता है तो आप न्यायालय में जो न्यायालय में जाके इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हो। तो ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ और बातें भी लिखी हुई है। उसमें जो पहली बात लिखी गई है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये तो मैंने आपको अभी बताया, ये पहली बात लिखी हुई है। यहाँ पे ये केवल वर्ड देखो, थोड़ा मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे केवल वर्ड इसलिए लगाया गया है कि अगर जो सरकार चाहे तो भेदभाव कर सकती है कि महिलाओं के लिए कुछ, या फिर जो वो अपने जो ओबीसी SC ST का अलग अलग जो आरक्षण दे रखा है इनके तहत तो भेदभाव कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे केवल वर्ड लगा रखा है, ठीक है। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात हमें दे रखी है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल और जाति के स्थान पर कि यहाँ पर इनमें से किसी भी आधार पर है जो दुकानों, जो सार्वजनिक स्थानों पर बेचने वाली होती है और जो होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है जैसे फिल्म हॉल हुए, वहाँ पे प्रवेश या फिर कोई भी ऐसी राजनीति से पोषक यानी राजनीतिक द्वारा चलने वाली जो भी तालाब हुआ या स्नान घाट हुए, सड़कों हुए, यहाँ पे या फिर कोई समागम हुआ, यहाँ पे इनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये बात है जो इसके अंतर्गत लिखी गई है, जो दूसरी बात है अनुच्छेद 15 के। अनुच्छेद 15 के जो तीसरी बात लिखी गई है वो है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो ये बात जो तीसरी बात जो मैंने आपको बताया, केवल वर्ड भी लगा रखा था, उसका मतलब ये जो राज्य सरकार या फिर सरकार है वो बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ अलग से कर सकती है भेदभाव करके। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए उपबंध कर सकती है। ये भी मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार है जो उनको, जो पिछड़े वर्ग के कुछ लोग होते हैं उनको उत्थान के लिए कुछ अलग से भेदभाव करके उनके लिए अलग से कुछ योजनाएं चला सकती है। तो ये जो है इनको अनुमति होती है राज्य को ये सब करने की, ठीक है। ये जो चौथी बात है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रख लेना है। उसके बाद पांचवी बात बोली गई कि राज्य को यह अधिकार है कि वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकती है, ठीक है। वही बात है, इसमें तो विशेष उपबंध कर सकती है। आप इसमें दे रखा है कि आप जो है शैक्षणिक संस्थान है जो भी पढ़े लिखे की जितने भी संस्थान होते हैं वहाँ पे इनके लिए अलग से छूट दिला सकती है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो ये बात जो है इसके पांचवी बात के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और ये प्रावधान है जो 93 संविधान संशोधन 2005 में होता उसके अंतर्गत ये शामिल की गई थी। तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 के अंदर वो दे रखी बात है कि ये है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। समता मतलब समानता, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 में ये दे रखा कि लोक नियोजन यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स हुई, जो भी अपनी वैकेंसीज आती है वो उसमें सबको समान रूप से देखा जाएगा, ठीक है। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दे रखा है, ठीक है। तो राज्य के अधीन किसी भी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के साथ अवसर की समता होगी, यानी कि सभी को समान रूप से देखा जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई भी नियुक्ति या फिर कोई वैकेंसी आती है राज्य सरकार के अधीन तो उसमें ये अनुच्छेद 16 आपको पावर देता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी उसमें अपवाद दे रखा है कि कुछ अलग से पावर दे रखी है सरकार को कि संसद है जो किसी विशेष रोजगार, कुछ स्पेशल कोई वैकेंसी निकालती है उस विशेष रोजगार के तहत या फिर वहाँ पे जो निवास स्थान है इनके शर्त के अनुसार
अनुसार वहाँ पे अलग से कुछ वैकेंसीज निकाल के किन्हीं अलग लोगों को भर्ती कर सकती है। तो ये इसमें पहला अपवाद है कि इसमें आपको यह देखना है कि किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त पर, यानी कि किसी रेजिडेंस के अनुसार कुछ अलग से कर सकती है। दूसरा इसमें दे रखा है कि राज्य नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता क्या कर रहा है, ठीक है। तो आरक्षण सबको अलग अलग कर देगा, ये समानता का जो है ये रूल इसके अपवाद के अंतर्गत आ गया। तीसरी बात लिखी कि विधि के तहत किसी संस्था या कार्यकारी परिषद के सदस्य को धार्मिक आधार पर व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि धर्म को लेके भी किसी स्पेशल वैकेंसीज में कुछ कर सकता है, ये सरकार के पास पावर है। तो ये तीन अपवाद हो गए इस अनुच्छेद 16 को, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में ये दे रखा है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत, यानी कि छुआछूत अब नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई छुआछूत करता है तो आप न्यायालय में जाके उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था की गई इसके अंतर्गत, और ये निषेध है, कोई भी ये नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो इसके लिए दंडनीय अपराध है, जो विधि के अनुसार दिया जाएगा। तो ये बातें इसके अंतर्गत लिखी हुई है, ठीक है। अब जो भारत के अंदर छुआछूत को रोकने और दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए दो कुछ कानून बनाए गए थे, उसमें जो पहला कानून था छुआछूत निवारण अधिनियम, जो 1995 के अंदर बनाया गया था, यह आपको पूछा जा सकता है। और दूसरा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम, जो 1989 में बनाया गया था। तो ये दो जो कानून बनाए गए थे इनको रोकने के लिए, आपको थोड़ा सा इनका शोषण ध्यान रख लेना है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है वो है उपाधियों का अंत करता है, यानी कि कोई भी डिग्री आप नहीं ले सकते हो। कौन कौन सी डिग्री ले सकते हो वो इसमें अभी दे रखा है, ठीक है। तो उपाधियों का अंत, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व की सभी उपाधियों को रद्द कर दिया गया इसके तहत। और दूसरी बात जो लिखी हुई है वो है कि जो भारत सरकार है सेना और शिक्षा के अतिरिक्त कोई भी उपाधि नहीं देगा। आप शिक्षा से रिलेटेड उपाधियाँ दे सकते हो और सेना से रिलेटेड उपाधियाँ दे सकते हो, इनके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। और अगर आप विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण करते हो तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता होगी। तो ये अनुच्छेद 18 हमको उपाधियों का अंत करता है, कोई भी आप उपाधि नहीं ले सकते हो। और जो 26 जनवरी 1950 से पहले की जो है वो सारी रद्द कर दी गई है, आप कौन कौन से सेना और शिक्षा की उपाधियां ले सकते हो, तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दे रखा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा, ठीक है, उस बेल आइकन को भी प्रेस करें तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई वीडियो अपलोड हो तब। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू।